जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरणगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम एतद कर्मधान देवता श्री विष्णुवे देवे नमो नमः। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा मलादा कृष्य मोहाय महामाया पृच्छति दुर्गे स्मता हर्षि भीति निशेष जंतो स्वस्थे स्मता मतिम तिम शुभम ददासी दारिद्र दुग्बह निकात धन्या सर्वोपकार करना सदा चेता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिगे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा कृष्ण की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जैसा कि सभी आप सब धर्म प्रेमी बंधु जानते हैं, होली का त्योहार नजदीक में है। होली के दिन जिस दिन होली जलाई जाती है उस रात को विशेष ग्रह नक्षत्र होते हैं। जो जानकार मनुष्य हैं, जिनके यहां बड़े बुजुर्गों का साया है, उनके सिर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, संयुक्त हिंदू परिवार में रहते हैं, वो अपने घर की सुरक्षा करके रखते हैं। उनको मालूम है कि होली की रात को काला जादू होता है, क्योंकि इस होली की रात को दारुण रात्रि बोला जाता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि दारुण रात्रि, दारुण का मतलब होता है रोने धोने वाली रात। तो हम इस दारुण रात्रि को होली जलाते हैं। तो जब होली जलती है उस समय पे, या होली की रात को, तंत्र मंत्र काला जादू ऊपरी बाधा मरगट मसान जगाना ये सब काम होता है। और होली के दिन तंत्र क्रिया भी की जाती है, और होली के दिन की गई तंत्र क्रिया अगली होली के दिन ही कटती है, ऐसा भी माना जाता है। होली के बाद बहुत से घरों में बीमारियां आ जाती हैं। होली के बाद बहुत से घरों में जादू टोने की वजह से मौतें भी हो जाती है, लकवा भी लग जाता है। परंतु जो नहीं जानता है उनके लिए तो नॉर्मल बात है कि चलो हो गया होगा, बीमारी लग गई है, हॉस्पिटल में चले गए हैं, पैसे पे पैसे बर्बाद करते जाते हैं, सोना चांदी बिक जाता है, मकान संपत्ति बिक जाती है और फिर वो व्यक्ति मर जाता है। समझने वालों के लिए इशारा काफी है। शत्रु आपके सामने वाला व्यक्ति हो सकता है, शत्रु आपका पड़ोसी हो सकता है, शत्रु आपके अपने परिवार का सदस्य भी हो सकता है, और शत्रु आपका कर्मचारी भी हो सकता है, शत्रु आपका सेवक भी हो सकता है, और शत्रु आपका खास व्यक्ति जिस पर विश्वास करते हो वह भी हो सकता है। इसलिए होली की रात को और होली के बाद यदि आपको गंदे सपने आना चालू हो जाए, बुरे सपने आना प्रारंभ हो जाए, या अचानक तबीयत बिगड़ जाए और जल्दी से उस व्यक्ति की मौत हो जाए, तो मान के चलना तंत्र मंत्र काला जादू से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सबसे ज्यादा मूठ जो चलाई जाती है वो होली की रात को ही चलाई जाती है, यानी कि मूठ का मतलब होता है मारण प्रयोग। मानो या न मानो, मैं जो कह रहा हूं ऐसा होता है।
इस पे आपको गहनता से विचार करना है। सोचो कि कहीं होली के बाद में पहले के वर्षों में भी सोच लो किसी की मौत तो नहीं हुई और अचानक मौत तो नहीं हुई है। आप हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाते हो और व्यक्ति रास्ते में ही चला चल बसता है, उसे मूठ चलाना बोलते हैं। कुछ तांत्रिक लोगों को कुछ मनुष्य किराए पर खरीदते हैं पैसे के बलबूते के ऊपर और गलत काम करवाते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारा YouTube चैनल CA डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता के नाम से है, उस YouTube चैनल पे होली से संबंधित कम से कम 10 वीडियो हमने डाल रखे हैं। उनको सुनो कि आप अपने होली के दिन होली की रात को जो तंत्र क्रिया होती है उससे कैसे बचा जाए। बहुत सारे तरीके होते हैं होली की रात को। कुछ लोग पूजा पाठ करके शमशान में भेंट दे करके चौकी भी चलवाते हैं और उसकी वजह से लकवा लग जाता है। कुछ लोग कच्चे मसान को सिद्ध करते हैं, कोई कलवे मसान को सिद्ध करता है और भेजने का काम करता है। कुछ दिन होली की रात को शमशान भी जगाया जाता है। सजग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और यदि कोई अनहोनी अचानक घट जाए तो समझ जाना तंत्र मंत्र काला जादू हो गया है। बच्चे के बीमार रहने लग जाए, अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लग जाए, अचानक शमशान मरघट मसान नजर आने लग जाए, सपने ज्यादा आने लग जाए, पेट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, लीवर खराब हो जाए, शरीर के अंदर कीड़े चलने जैसा महसूस होने लग जाए, शरीर में अलग अलग जगह दर्द रहने लग जाए, कंधे भारी रहने लग जाए, पूजा करने का मन न करने लग जाए, तो हो सकता है आप उस चीज को जो शमशान से आती है उसको उलांग देते हैं। इसकी वजह से भी होता है। आपके घर पे पीली सरसों भी आ सकती है, उड़द के दाने भी आ सकते हैं, लौंग भी आ सकती है, शमशान की धूल भी आ सकती है, शमशान की राख भी आ सकती है, शमशान की हड्डी भी आ सकती है, कफन का कपड़ा भी आ सकता है, डेड बॉडी के ऊपर चढ़ा हुआ फूल भी आपके पास आ सकता है, डेड बॉडी के ऊपर चढ़ा हुआ मखाना भी आपके यहाँ पे आ सकता है। जिस बांस के ऊपर बांध करके ले जाया जाता है उसका बांस का टुकड़ा भी आपके यहाँ पे आ सकता है। लाल धागा जिससे शव को बांधा जाता है वो भी आपके यहाँ पे आ सकता है। यदि इनमें से कोई आइटम मिल जाए तो समझ जाना कोई न कोई तंत्र विद्या आपके यहाँ पे हो गई है, कोई न कोई प्रेत आपके यहाँ पे आ चुका है या फिर कोई न कोई चौकी आपके यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको बर्बाद होना ही होना है। जब तक आप समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यदि आप लाख प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं परंतु फिर भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, पैसे पे पैसा बर्बाद होते जाता है, एक धंधे से दूसरा धंधा बदलते जाते हैं, आपका पैसा जाम होते जाता है, आप ऋण में हो जाते हो, ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है आपको, तो मान के चलो कोई ना कोई आपका बंधन हो चुका है। हाथों का बंधन हो जाता है, व्यवसाय का बंधन हो जाता है। होली की रात को जो भी तंत्र क्रिया की जाती अधिकांशतः सफल होती है क्योंकि उस दिन ग्रह नक्षत्र वार तिथि मुहूर्त योग करण ये सब तीक्ष्ण कार्यों के लिए होता है, उग्र कार्यों के लिए होता है और इस दिन जो है ये काम किया जाता है। मेरा काम है सिर्फ आपको जगाना कि आप सोए मत रहो, होली की रात को जगना चाहिए, इसलिए इसे दारुण रात्रि बोला गया है, दारुण दिन नहीं बोला गया है, दारुण रात्रि होती है। जैसे हम कहते काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, ये रात होती है, इस रात में काला काम होता है।
आपको कैसे बचना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, किस प्रकार से आपको इस होली के दिन किए गए टोने टोटके से बचाव करना है, इसके लिए हमारे द्वारा पहले से बहुत से वीडियो डाले जा चुके हैं। आप उनको सुने और अपने स्वयं को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बर्बाद हो जाएं धन से, दौलत से, परिवार से, और बीमारी लग जाए तो आपकी सब चीज बिक भी सकती है। आप मानसिक पागलपन भी आपको हो सकता है। मानो या न मानो, यह सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। होलिका की पूजन करें। जहां भी होली की पूजन होती हो वहां पर शीतला माता का मंदिर हो उसी जगह जाकर के आपको पूजा करना है। जहां पर शीतला माता का मंदिर नहीं हो वहां पे यदि होली जलाई जाती हो या जला रहे हो तो वहां पे पूजन अर्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें, इस होली में शीतला माता का मंदिर या शीतला माता की पूजन होना अत्यंत आवश्यक होता है। आजकल हम देखते हैं कलयुग में जगह जगह होली जलाई जाती है, हर कॉलोनी में होली जला देते हैं, हर तिराहे पर होली जला देते हैं। होली जलाना गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। और जिस मनुष्य के द्वारा, जो हमारे पिछले जन्म के या बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो परंपरा डाली गई है, प्रथा डाली गई है, यदि हम उन परंपरा प्रथा परिपाटी को तोड़ोगे तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। होली वहीं पर ही जलाई जाए, वहीं पर ही जाकर के पूजा की जाए जहां पर मां शीतला का मंदिर हो। यदि आपने आगे लेकर के जहां पर मां शीतला का मंदिर नहीं है और होली जलाने का संकल्प किया है और होली जला रहे हो तो आपका परिवार एक समय के बाद में बर्बादी की अवश्य जाएगा, बर्बादी होने की संभावना बन जाएगी। मोती जरा वीर शरीर पर निकलने लगेगा, बड़े बड़े फफोले शरीर में उत्पन्न होने लगेंगे। आज भी हम देखते हैं बहुत सी महिलाओं को, बहुत से पुरुषों को बाल तोड़ होने लगता है बिना वजह। एक बाल तोड़ ठीक होता है, दूसरा बाल तोड़ हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बाल तोड़ हो जाता है। जब भी कोई पूजन अर्चन अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं तो बाल तोड़ हो जाता है और वह अनुष्ठान उनका फेल हो जाता है। तो ये बाल तोड़ क्यों होता है, क्यों छोटी माता निकलती है शरीर में, छोटे छोटे पुंसियां निकल जाती जिसको हम छोटी माता और बड़ी माता बोलते हैं, चेचक बोला जाता है जिसको। यह भी शीतला माता का क्रोध होता है। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जगह जगह होली नहीं जलाई जाए, उसी जगह जलाई जाए जहां पर खेड़ापति माता जी का मंदिर हो या फिर शीतला माता जी का मंदिर हो। मानते हो तो ठीक, न मानते हो तो आपकी इच्छा। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मानना नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। यदि आप बर्बाद होना चाहते हो तो मत मानिएगा, फिर चक्कर लगाते रहना तांत्रिक लोगों के, फिर चक्कर लगाना पंडित पुजारियों के, फिर चक्कर लगाना ओघड़ अघोरियों के, फिर चक्कर लगाना भोपा लोगों के, पंडा पुजारियों के चक्कर लगाना, भगत लोगों के चक्कर लगाना, और उनके द्वारा भी पैसा तो लिया जाएगा, आपको बर्बाद तो करना ही करना है। और शक्तियों का काम होता है
आपको बर्बाद करना। बस आपकी मृत्यु नहीं आएगी, बाकी जब तक आप बर्बाद नहीं होंगे, आपकी आ नहीं निकलेगी, आपकी चीख नहीं निकलेगी, तब तक आपको सुखी नहीं रह सकते हो। होली होली के तरीके से मनाइए, होलिका की पूजन करिए, नारियल की भेंट दीजिए, कच्चा सूता लपेटिए, गुजिया का भोजन लगाइए, मिठाई जो घर पे बनाई हो वो भोग दीजिए, दीपक लगाइए और पूजन अर्चन करके दूध जल से होलिका को शांत करिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। होलिका के दिन टोने टोटके भी होते हैं, सुख समृद्धि शांति प्राप्त करने के टोटके भी होते हैं, होलिका के दिन धन प्राप्त करने के भी टोटके होते हैं, होलिका के दिन जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके द्वारा भी टोटके किए जाते हैं, होलिका के दिन जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा उसके द्वारा भी टोटके किए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे टोने टोटके होलिका के दिन होते हैं। यदि आप ये टोने टोटके करना चाहते हो तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए टोने टोटके नामक हमारे द्वारा किताब लिखी गई हो मंगा सकते हो, ताकि भविष्य में आप टोटके कर सको। अभी तो आपके पास समय नहीं है कि किताब मंगा करके आपके यहां तक पहुंच जाए। मां भगवती आदि शक्ति भवानी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडुमंडनाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय मां कामाख्या।